हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं सिंगल कलर में जाली वाला नेट वाला डिजाइन डालूंगी। देखिए, ये मैंने येलो कलर लिया है। आपके पास जो भी कलर है आप उस कलर में भी इसे डाल सकते हैं। ये सिंगल कलर में बुनने वाला बहुत ही इजी और बहुत ही सुंदर सा हमारा डिजाइन बन के आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने ये बॉर्डर बना लिया है। ये मैंने सीधी सीधी सिलाइयों से बनाया है। आप इसे जिस तरह से आप बॉर्डर बनाते हैं उस तरह से भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए अब हम डिजाइन डालना शुरू करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट फंदा जो है इस फंदे को हम, ये हमारी सीधी साइड है, ये यहाँ पर ये हम सीधी साइड आ गए हैं। ठीक है, ये हमने बॉर्डर, ये मैंने दो धारियों से बनाया है। आप जितना भी बड़ा छोटा बनाना चाहें उतना बड़ा छोटा बना सकते हैं। तो देखिए, हम इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे। एक फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा हम आगे करेंगे, एक फंदा हम ऐसे बुन लेंगे और धागा आगे करेंगे, एक फंदा हम ऐसे देखिए एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे ही ऐसे धागा लेंगे, इस फंदे को हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे, एक फंदे के ऊपर हम धागा ऐसे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, एक फंदा हम देखिए ये उल्टा फंदा बुन लिया हमने, एक फंदा ऊपर से लिया, एक फंदा बुन लिया, एक फंदा देखिए ऐसे इसके ऊपर से ऐसे ले लिया, ऐसे ले लेंगे। ठीक है, एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया, एक फंदा हम धागा ऊपर ले लेंगे, इसे बुने नहीं गए ऐसे ही ले लेना है, फिर एक फंदा हमने बुन लिया, फिर एक फंदे के ऊपर से ऐसे ले लिया, इस फंदे को हमें बुनना नहीं है, धागा धागा ऊपर से लेना है, अगले फंदे को हमें उल्टा बुन लेना है, ऐसे एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदे के ऊपर से ऐसे डिजाइन में ऐसे देखिए खाली ले लेंगे और इसे उतार लेंगे, बुनना नहीं है इसे हमें। फिर देखिए, एक फंदे के ऊपर हम ऐसे ले लेंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, एक फंदे को ऊपर से ले लेंगे, एक फंदे को उल्टा बुन लेंगे, एक फंदे को ऊपर से ले लेंगे और एक फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, इस फंदे के हम ऊपर से ले लेंगे, एक फंदे को उल्टा बुन लेंगे, एक फंदे के ऊपर से ले लेंगे, ऐसे एक फंदे को उल्टा बुन लेंगे, इसे ऐसे ही धागा ऊपर करेंगे और उतार लेंगे। इस फंदे को हमें बुनना नहीं है, देखिए इस फंदे को ऐसे ही करते हुए इस पूरी रो को रिपीट करना है। एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, एक फंदे को हम ऐसे ही धागा ऊपर से लेकर बुन लेंगे, देखिए एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, एक फंदे के ऊपर हमें ऐसे धागा लेना है और इसे ऐसे ही सिलाई में ले लेना है, फिर एक फंदे को हमें उल्टा बुनना है, एक फंदे के ऊपर से धागा ऐसे लेना है, एक फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे और एक फंदे के ऊपर ऐसे धागा ले लेंगे। ऐसे ही पूरी इस रो को हमें रिपीट करना है। देखिए, लास्ट में ये हमारे जो फंदे बच गए हैं इनको हमें ऐसे ही लेना है। देखिए, अब हम आ गए हैं रोंग साइड। रोंग साइड हमें क्या करना है, ये जो फंदे हमारे थे इन फंदों को हमें उल्टा बुन लेना है ऐसे। इस फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे, इस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे। जो फंदा हमें ऊपर से धागा लिया था ना, उस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे और इन दो फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे। इस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे, दो फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे। इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, ये दो फंदे जो हैं इन फंदों को हम उल्टा उतार लेंगे।
इस फंदे को देखिए, फिर इस धागे को ऐसे ही ले लेंगे और इन दो फंदों को उल्टा बुन लेंगे। इस पूरे रो को ऐसे ही रिपीट करते हुए जाना है, ऐसे। देखिए इस फंदे को हम उतार लेंगे और ये जो दो फंदे हमारे हैं इन फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। इस फंदे को उतारेंगे, ये दो फंदे हमारे जो हैं इन्हें उल्टा बुन लेंगे। ऐसे ही इस पूरी रो को रिपीट करते हुए जाना है, ऐसे। एक फंदा में ऐसे उतारा, जो फंदा हमें पिछली बार धागा ऊपर से लिया था उसे बुना नहीं था, अब इसे ऐसे ही उतार लेंगे और दो फंदे बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस जो डिजाइन में है, आप जहाँ पर आप 70 फंदे डालते हैं स्वेटर में, उसमें यहाँ पर आप 5 या 6 फंदे कम डालें, क्योंकि ये हमारा जो डिजाइन है ये थोड़ा सा बढ़ के आता है। इसके जो ये फंदे हम ऊपर से लेते हैं ये बढ़ के आएगा, तो इसमें आप जिस स्वेटर में आप 70 फंदे डालें उसमें आप 65 फंदे डाल लें या 6 फंदे कम कर लें, क्योंकि ये हमारा डिजाइन बहुत खुल के आता है। और इसे मोटी सिलाई पे डालें, बारीक सिलाई पे ये बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएगा, इसे मोटी सिलाई पे डालें। ये मैंने 8 नंबर की नीडल्स ली हैं और इसमें आप एक बात ध्यान रखें, आप इसमें फंदे कम ले लें। जैसे कि आप किसी में 80 फंदे ले रहे हैं तो उसमें 70 ले ले, 75 ले ले, ऐसे ले ले। ये यहाँ पर देखिए हमारे 3 फंदे बच गए हैं। तो देखिए अगली रो में हमें क्या करना है, अगली रो में हमें इन फंदों को, इस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे और इस फंदे के ऊपर हम ऐसे धागा ले लेंगे और यहाँ पर हम 2 का 1 बना देंगे। इस फंदे को हम उल्टा उतार लेंगे, ऐसे देखिए, ऐसे बनाते हुए जाना हमें, और यहाँ पर इन दो फंदों का हम एक फंदा बना देंगे, ऐसे। देखिए हमारा डिजाइन ऐसे बन के आएगा। देखिए बनने के बाद ये दिखेगा, इस फंदे के हम ऊपर से ले लेंगे, ये 2 का 1 बनाया और इस फंदे के ऊपर से ले लेंगे ऐसे, फिर इन फंदों का 2 का 1 बना देंगे। इस फंदे के ऊपर से लेंगे, इनका 2 का 1 बना देंगे। एक फंदे के ऊपर से लेंगे, इसका 2 का 1 बना देंगे। इस फंदे के जो एक फंदा था हमारा, इसके ऊपर से ऐसे फंदा ले लेंगे, इन 2 का 1 बना देंगे। फिर से इस फंदे के ऊपर से लेंगे और यहाँ पर इसका 2 का 1 बना देंगे। यहाँ पर ऊपर से लेंगे, इन 2 का 1 बना देंगे। इसके ऊपर से लेंगे और 2 का 1 बना देंगे। यहाँ पर इसके ऊपर से धागा लेंगे और इन 2 फंदे का हम 1 फंदा बना देंगे। इसके ऊपर से धागा लेंगे, 2 फंदे का 1 बना देंगे। ऐसे ही इस पूरी रो को भी हमें रिपीट करते हुए जाना है, इन 2 का 1 बना देंगे। देखिए जो 2 फंदे ये हैं, जो ये हमें उतारा था ना, ये फंदा है, इन 2 का 1 बनाना है और इस फंदे के हमें ऊपर से लेना है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ईजी है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक फंदे के हमें ऊपर से ऐसे धागा लेना है, एक फंदे का 2 का 1 बनाना है, फिर इस फंदे को ऐसे ऊपर से लेना है और इसमें 2 का 1 बनाना है। देखिए इसे ध्यान में देकर बनाएंगे तो बहुत ईजी पैटर्न है ये और बहुत ही सुंदर सा हमारा डिजाइन बन के आएगा। इस फंदे के हम ऊपर से ले लेंगे और इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे। अब हम आ गए हैं रोंग साइड। रोंग साइड हमें क्या करना है, इस फंदे को तो हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे और जो ये हमें ऊपर से उतारा था इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे। जैसे हमें पिछली सिलाई में उतारा था वैसे ही उतारते हुए इस फंदे को उतार लेंगे। यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे, इस फंदे को उतार लेंगे, 2 फंदे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, 2 फंदे उल्टा उल्टा बुन लेंगे, ऐसे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इस फंदे को हम उतारेंगे, बीच में जो 2 फंदे बच गए उनको उल्टा बुन लेंगे। ये जो हमें फंदा ऊपर से लिया था इस फंदे को हम सिलाई में उतार लेंगे और इन 2 फंदे को उल्टा बुन लेंगे। इस फंदे को ये उतारेंगे और 2 फंदे का
यहाँ पर दो फंदे उल्टे बुन लेंगे। इस फंदे को सिलाई में ऐसे ही निकाल लेंगे और दो फंदे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ऐसे इस फंदे को फिर से उतारेंगे और इन दो फंदे उल्टा बुन लेंगे। इस फंदे को यहाँ पर निकालेंगे और दो फंदे उल्टा बुन लेंगे। इस फंदे को यहाँ पर निकालेंगे, दो फंदे उल्टा बुन लेंगे। इस फंदे को सिलाई में ऐसे ही उतार लेंगे और दो फंदे उल्टे बुन लेंगे। इसको ऐसे ही उतारेंगे, दो फंदे उल्टा बुन लेंगे। पूरी सिलाई ऐसे ही रिपीट करते हुए जाने हैं। सीधी सिलाई में हमें धागा एक फंदे के ऊपर से ले लेना है, उस फंदे को हमें उतारना बुनना नहीं है। और इस सिलाई में जो धागा हमने ऊपर से लिया था उस धागे को ऐसे ही उतार लेना है और दो फंदे उल्टा उल्टा बुन लेने हैं। ऐसे ऐसे ही करते हुए हम इस पूरे रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें देखिए दो फंदे आ गए हमारे। अब हम आ गए हैं राइट साइड, देखिए ऐसे ऐसे बन के आएगा हमारा ये डिजाइन। बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बन के आएगा, बहुत ही सुंदर। देखने में जितना सुंदर है बनाने में उससे कहीं ज़्यादा इजी है। तो चलिए देखिए एक रो में मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इस फंदे को हम, ये फंदा तो हमें ऐसे ही उतार लेना है और इन दो फंदे का एक बनाना है। इस फंदे के हम ऊपर से धागा ले लेंगे, इस दो का एक बना लेंगे। जो ये एक सिंगल फंदा है इसके ऊपर से धागा ले लेंगे, इन दो का एक बना देंगे। सिंगल फंदे के ऊपर से धागा ले लेंगे, दो का एक बना देंगे। सिंगल फंदे के ऊपर से धागा ले लेंगे, दो का एक बना देंगे। सिंगल फंदे के ऊपर से धागा ले लेंगे, दो का एक बना देंगे। सिंगल फंदे के ऊपर से धागा ले लेंगे, दो का एक बना देंगे। सिंगल फंदे के ऊपर से धागा ले लेंगे, दो का एक बना देंगे। सिंगल फंदे के ऊपर से धागा ले लेंगे, दो का एक बना देंगे। देखिए सिंगल फंदे के ऊपर से धागा लेंगे, दो का एक बना देंगे। ऐसे ही देखिए इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ मैं। इस डिजाइन को थोड़ा सा बनाने के बाद आपको अच्छे से दिखने लग जाएगा। ये देखिए कुछ ऐसे बन के आएगा। तो मैं इसे थोड़ा सा बना के आपको फिर से दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा डिजाइन कुछ ऐसे बन के आएगा। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही इजी ये डिजाइन बनाना है। ये हमारा नेट जाली वाला डिजाइन है, इसे बनाना बहुत इजी है। आप इसे किसी भी स्वेटर, कार्डिगन, बेबी स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखिए मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ। ये जहाँ पर दो फंदे हैं इनका हम एक फंदा बना लेंगे और ये सीधी रो में हमें इस तरह बनाना है। और एक फंदे के हम ऊपर से धागा ले लेंगे, उस फंदे को बनाए लेंगे। देखिए इस फंदे को लिया और धागा ऊपर लिया और उतार लिया। इस फंदे को हमें बनाना है दो का एक, और इस फंदे के ऊपर से ऐसे धागा लेंगे। अगले फंदे को हम दो का एक बना देंगे, क्योंकि इसमें हमें पिछली बार लिया था जो, इस फंदे के हम ऊपर से ले लेंगे। इसे बनाना नहीं है, ऐसे ही सिलाई में उतार लेना है। इस फंदे का दो का एक बनाएंगे, फिर देखिए ऐसे ही करेंगे। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही, सीधी सिलाई में हमें ऐसे ही रिपीट करना है। ऐसे एक बार इसके ऊपर से ले लेंगे। फ्रेंड्स ये बनाना बहुत ईजी है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक बार हम फंदा ऊपर उतारेंगे ऐसे और इस फंदे को हम बनाए लेंगे, और दूसरी बार हम दो फंदे का एक बना देंगे। फिर से फंदा ऊपर लेंगे और इस फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे। आगे हम दो फंदे का एक बनाएंगे। बहुत ही सुंदर सा हमारा डिजाइन बन के आएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ईजी वे में, सबसे आसान तरीके से मैंने ये डिजाइन आपको बनाना बताया है। ऐसे ये डिजाइन डालने में बहुत से गलती कर देते हैं कि इस फंदे में ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एक फंदे के हम ऊपर से उतारेंगे ऐसे, दूसरे फंदे को हम दो का एक बना देंगे,
फिर धागा ऊपर लेंगे। इस फंदे को हमें बुनना नहीं है, ऐसे ही ले लेंगे। ये पूरी रो हम ऐसे ही रिपीट करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इजी है इसे बनाना और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। इसमें आप स्वेटर, बेबी स्वेटर, कार्डिगन किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे तो बहुत ही जल्दी बन के आएगी ऐसे। और अब हम देखिए आ गए हैं रोंग साइड। रोंग साइड हमें क्या करना है, ये दो फंदे जो हैं हमारे, इस फंदे को तो हम ऐसे ही उतार लेंगे, इस फंदे को जो हमने ऊपर से लिया था इसे ऐसे ही नीडल्स में उतार लेंगे, इसे हमें बनाना नहीं है। दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, इस फंदे को वापस नीडल्स में उतार लेंगे, बनाना नहीं है। दो फंदे उल्टे बनाएंगे, इस फंदे को नीडल्स में उतारेंगे और दो फंदे उल्टा बुना लेंगे। ऐसे ही देखिए इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इस फंदे को देखिए जो ऊपर से लिया था इसे ऐसे ही सिलाई में निकाल लेंगे, इसे हमें बनाना नहीं है ऐसे। और इन जो दो फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बना लेंगे। ऐसे ही हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। ये दो रो में बनके वाला बहुत ही इजी डिजाइन है हमारा, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है कि इस फंदे को हमें ऐसे उतार लेना है, दो फंदे हमें उल्टा बुनने हैं ऐसे, और जो ये फंदा हमें ऊपर से लिया था इसे ऐसे ही नीडल्स में उतार लेंगे, इसे बनाना नहीं है। एक बार सीधी सिलाई में हमें इसे ऊपर से ले लेना है, उसमें भी हमें इसे बनाना नहीं है। ऐसे ही देखिए ऐसे बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी रो में हमें ये ध्यान देना है, इस फंदे को ऐसे उतारना है, दो फंदे उल्टा बना लेने, इसे उतारेंगे और दो फंदे उल्टा बना लेंगे। और सीधी सिलाई में हमें जैसे मैंने बताया है आपको वैसे ही बनाते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर सा हमारा डिजाइन बन के आएगा, बहुत ही इजी है इसे बनाना। ऐसे हम इसे बना लेंगे। देखिए बहुत इजी वे में मैंने इसे आपको बताया है, बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से इस डिजाइन को बनाने का।